आपके आत्मीय प्रेमी पुनः एक बार आपके बीच में आए हैं अवसर में जहां रामचरित मानस के मर्मज्ञ ज्ञान ल प्राप्त करे बर अखंड नवद रामायण के आयोजन ल रखे हवा। मैं आप सब जन कर यही अनुरोध करी हां कि रामचरित मानस के जो ज्ञान है और केवल सुने के कहे के नो बल्कि जीवन में आत्मसात करे के काबर की रामचरित मानस और मानव के बहुत गहरा संबंध है। कलयुग में मानव के जीवन बिना रामचरित मानस के अधूरा है तो बिना मानव के रामचरित मानस भी अधूरा है। हम एक दूसर के पूरा करो। आज कलयुग में एक मानव कैसे होना चाहिए रामचरित मानस हमें सिखाते हैं। आवश्यकता है तो अगर सकारात्मक पहलू है ज्ञानवर्धक बात है आदर्श चरित्र है प्रेरणादायक क्षण व अवसर है और जीवन में आत्मसात करेगी। भगवान राम ने तो हम सब बहुत मानते हैं। जब भी कोई विपत्ति आते जब भी कोई संकट के घड़ी आते तो भगवान करा नतमस्तक होकर के हमन भगवान करा प्रार्थना करते हैं कि भगवान विपत्ति ले बचा दे संकट ले मोला उगाड़ दे ये दुख ले मोला राहत दिला। और भगवान राम सृष्टि के रचयिता हम सब के आराध्य देव हम सब के अनुरोध स्वीकार भी करते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण ये बात है कि भगवान राम के हम बात लकक्का मानते हैं। जब तक केवल हम भगवान न मानबो भगवान राम लो भगवान राम के बात ल नहीं मानबो तो हम आदर्शतल स्वीकार नहीं कर पाए। आप रामचरित मानस के जब कथा के श्रवण करी है जमा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के चरित्र के वर्णन है सब भगवान में एकमात्र भगवान राम है जरा मर्यादा पुरुषोत्तम कहेंगे बाकी हो कोई भगवान कोई देवी देवता मर्यादा पुरुषोत्तम राम ना मर्यादा पुरुषोत्तम एक कहेंगे कि भगवान राम के समस्त चरित्र एक मर्यादा में रह करके किए गए। भगवान राम कहीं भी मर्यादा लांधे काम नहीं करेंगे। अगर हम उनका जीवन चरित्र देखी तो बाल्यावस्था से लेकर के संपूर्ण जीवन भगवान राम के संघर्ष में व्यतीत हुए। एक तो भगवान राम के ही अवतरित होना राजा दशरथ के चौथापन में और जब वो गुरुकुल जाते बाल्यावस्था तो गुरुकुल से अगर संघर्ष की शुरुआत होती ऋषि मुनि मल राक्षस से निजात दिलाए व संघर्ष करते ऐसे संघर्ष के दौर भगवान राम के जीवन के अंत तक चलत रहते। मां सीते के साथ अयोध्या थे राजपाट संभाले के अवसर लगते राज तिलक के जब अवसर आते तो बिना कोई गलती के भगवान राम ने 14 साल के वनवास दे दिए जाते। वनवास के दौरान भगवान राम के सबसे प्रिय मां सीते के अपहरण हो जाते। राजा रावण के जब अंत करके अयोध्या थे राजपाट संभालते हैं तब भी होकर संघर्ष समाप्त नहीं हुए बल्कि एक आरोप के कारण
पुनः सबसे प्रिय मां शीतलापन से दूर कर देते। लव कुश के रूप में भगवान राम ला दो पुत्र के प्राप्ति तो होते, लेकिन पुत्र प्राप्ति के का सुख का उत्साह वाला भगवान राम महसूस नहीं कर पाए। लेकिन सम्मानित विद्वंजन हो, तमाम कठिनाई आई, तमाम और अवधेश, तमाम विषम परिस्थिति भगवान राम के साथ है, लेकिन भगवान राम कहीं भी अपन विनम्रता नहीं छोड़ी, कहीं भी संयम ल नहीं त्यागी और कहीं भी मर्यादा ल नहीं लांघी। यही संयम है, यही मर्यादित जीवन है, और यही विनम्रता है, और यही संघर्ष है, जेकर कारण आज भगवान राम ल हम आराध्य देव के रूप में हम मानथन। लेकिन आवश्यकता है, भले हम भगवान राम न बन सके, लेकिन भगवान राम बने के प्रयास तो हम लोग करना चाहिए। एक आदर्श पुत्र ल कैसे होना चाहिए, एक आदर्श जन सेवक ल कैसे होना चाहिए, एक आदर्श राजा ल कैसे होना चाहिए, ये भगवान राम के जीवन चरित्र से हम सब मन प्रेरणा लेना चाहिए। और रामचरित मानस में केवल भगवान राम के चरित्र के वर्णन नहीं है, बल्कि बहुत सारे ऐसे चरित्र है जो हम लोग प्रेरणा देते। भाई भरत को त्याग, भगवान राम के वनवास जाए के बाद अयोध्या के राजपाट संभाले को अवसर मिले रहे, लेकिन बड़े भाई के सम्मान ल समझते हुए, बड़े भाई के अधिकार ल समझते हुए अयोध्या जैसे राज्य के राजा बनना स्वीकार नहीं कर। मर भाई हो जरा चिंतन के विषय हम सब मन के लिए। आज अधिकांश परिवार के भाई भाई के बंटवारा बिना वाद विवाद बिना थाना पुलिस कोर्ट कचहरी के नहीं होते। भाई भरत जैसे त्यागी हम सब मन ल बनना चाहिए। वो लक्ष्मण के त्याग जे 14 साल तक बड़े भाई और भाभी की सेवा करते हुए एक मिनट के लिए आंख बंद नहीं करी, वो मां सीते के प्रति व्रता भगवान राम ले 14 साल के वनवास मिले रहे इस मां सीते ले नहीं, लेकिन जो कभी महल के बाहर कदम नहीं रखे रही भगवान राम के साथ 14 साल के लिए वनवास चल दी। मुर्दाई हो, मोर मातारी हो, बहनी हो, तुम लग कहना चाहा था, आज हमन अपन बेटी और बहनी विदा कर था, कहीं फोन आ गई दुख पाथा का के, तो का कारण दुख पाथस, का दुख के तेल पाछो पूछथन, पहली थाना तरफ हमार गाड़ी दौड़ जत है, रिपोर्ट कर दियो, कर वादे कर घर जा। आज तक कोई ऐसे थाना नहीं बने हैं, कोई ऐसे कोर्ट कचहरी नहीं बने हैं, ऐसे कोई न्यायालय नहीं बने हैं जे काकरो घर के विवाद ला समाप्त करे। घर के विवाद अगर समाप्त हो ही तो आपस के सामंजस्य से समाप्त हो ही। जब तक हम समझौता नहीं करबो, जब तक हम झुकबो नहीं, जब तक परिवार ले चलाए बा आपस में मिल के काम नहीं करबो, तब तक नहीं हुआ। और मां सीते से प्रेरणा हर नारी ले जो है लेना चाहिए। उस सबरी के विश्वास है रामचरित मानस मां, उस सबरी के प्रेम है रामचरित मानस मां, कि सबरी रोज कुटिया ला सजाते भगवान राम के इंतजार करता, लेकिन जब भगवान राम नहीं आए तब भी नहीं थके, दूसरे दिन उत्के उत्साह के साथ पुनः घर के सजावट करते, फिर भगवान राम के इंतजार करते कि भगवान राम एक दिन मोर कुटिया में आए। और सबरी के विश्वास वो दिन समाप्त होते जब भगवान राम ओकर कुटिया में जाते हैं। और सबरी के प्रेम भी है, और यही रामचरित मानस में वो राजा रावण के भी कथा है। हर दशहरा में आप रावण बना था जला था, हर दशहरा में हम नारा लगा था बुराई में अच्छाई के जीत, रावण ले जला करके हम बुराई ले समाप्त करा था। बड़े मेला लगते, सिनेमा सरकस थे, नाचा गाना होते, तरह तरह के होटल थे, लेकिन अगले दिन पुनः रावण पैदा हो जाते और फिर साल के आग तक फिर जवान हो जाते।
अगले साल के दशहरा में पुनः हमला रावण बना करके समाप्त करे बलाक्ष काबर कभी चिंतन करे है? काबर हर साल हमला रावण ला मारे बलागत थे, हर साल रावण ला जलाए बलागत थे। ये रामचरित मानस को हमला बता दीस ना कि राजा रावण अहंकारी रही से, दुराचारी रही से, अन्यायी रही सबय। तो काब हमला हर साल रावण के अंत करे बलाक थे। सम्मानी सियान हो ओकर वही कारण नो है, ओकर एकमात्र कारण नो है। अब अगर हमन दोषी हन तो हम खुद स्वयं ओकर लिए दोषी हन। काबर हमला दूसर में बुराई नजर आते, दूसर में स्वार्थ नजर आते, दूसर में कमी नजर आते, दूसर में भ्रष्टाचार नजर आते, लेकिन हम कभी अपन आप झांक के नहीं देखन। हम कभी ये बात के आत्मचिंतन नहीं करें कि मोर में का बुराई है, मोर में का कमी है, मैं कतका स्वार्थी है, मैं कतका भ्रष्ट, मोर मन में कतका घर रावण छिपे है। और जे दिन हम आत्मचिंतन करके अपन आप झांक के देख लिया, अपन मन के रावण ला मार ली, मैं आप विश्वास दिलाता हूं अगला दशहरा में रावण मारे की जरूरत नहीं है, बल्कि वही दिन ले राम राज की स्थापना हो जाएगी। राजा रावण तो काल के प्रखंड विद्वान रही से, रामचरित मानस कहे होकर से कोई बड़े विद्वान नहीं रही। शक्तिशाली भी रही, बलशाली भी रही, धनवान भी रही। काबर की राजा रावण के लंका में साधारण आदमी मन के निवास करने वाला साधारण आदमी के मकान सोना के रही। अच्छा, अगर मकान सोना के रही तो धन दौलत के का कम, भौतिक सुख सुविधा भी अटका कर रही से। क्या हेलीकॉप्टर हवाई जहाज नहाक थे तो हम ऊपर नजर लगा के देखता, लेकिन वो सुख सुविधा भी पुष्पक विमान के रूप में राजा रावण कर रही। रामचरित मानस में कहे गए कि अगर सैनिक शासन प्रशासन अतका कन चुस्त दुरुस्त रहीस कि राजा रावण के इजाजत के बिना परिंदा भी लंका में पैर नहीं मार सकत रहीस। लेकिन सब कुछ होते हुए भी राजा रावण के अंत होइस तो कर कारण का है। सियाल मन कथे खाना पा रहे हैं, सियाल मन दो चीज के अहंकार और घमंड नहीं करना चाहिए, ये दोनों चीज के दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। ये दोनों चीज का है, पहली चीज है पद और पावर और दूसरा है धन दौलत। जे आदमी का पद है पावर है, अगर वह मानव के अहित में होकर उपयोग करीस, समाज के विरुद्ध अगर होकर उपयोग करीस, और जे आदमी धनवान है धन दौलत है, वो धन दौलत के उपयोग अगर मानव के हित में अहित में समाज के अहित में विपरीत अगर लगाईस तो ये दोनों चीज काकरो कर रुकने वाला न है, बल्कि ये दोनों चीज चलाए माने अच्छा व्यक्ति करे दोनों चीज है जही। और राजा रावण के अंत भी होइस तो कर अहंकार के कारण होइस, ओकर दुराचार के कारण होइस, ओकर अन्याय के कारण होइस। तो ये राजा रावण भी हम लोग प्रेरणा देते कि आप अहंकार मत करा, काकरो प्रति आप दुर्भावना मत रखा, बड़े बुजुर्ग सियान मन के विद्वान मन के सम्मान करा। ये राजा रावण हम जो है प्रेरणा देते। मैं आप सब जन कर यही अनुरोध और प्रार्थना करा था वहां रामचरित मानस के एक एक शब्द, एक एक दोहा, एक एक चौपाई आज के कलयुग में एक मानव समाज ला कैसे होना चाहिए हमला सिखाते। आवश्यकता है तो पुनः एक बार निवेदन करा था वहां वो आदर्श चरित्र ला, वो ज्ञानवर्धक बात ला, वो प्रेरणादायक क्षण अवसर ला अपन जीवन में आत्मसात करेगी। आप अखंड अवधा रामायण के माध्यम से अनेक गायक इन हो ही हैं, अनेक विद्वान प्रवचन करता इन हो ही, बोला खाली कथा के रूप में मत लिया बल्कि प्रेरणा के रूप में लिया। ये मोर अनुरोध है, ये मोर प्रार्थना हमें, हमें बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करा था यहाँ के तमाम युवा साथी मन करा जीवन बहुत लगन और मेहनत करके अतके भव्यता के साथ में भगवान राम के चरित्र ले जन जन तक पहुंचाए बार रामचरित मानस के आदर्शता ला स्वीकार करे बार आप मन आयोजन ला भव्य रूप से करा था वह बहुत उत्साह के साथ करा था वह
वैसे अवसर में मोला भी आमंत्रण दिया, मोला भी एक आशीर्वाद लेहे के अवसर देहावत के लिए आप सब मन के हृदय से आभार व्यक्त करत हवा। सदैव मैं आप मन के ऋणी रही हाँ। और भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी से, परम पूज्य व्यासाचार्य महाराज से मैं आशीर्वाद चाहा था। आप सबके मनोकामना पूरा हुआ। मेहनत करने वाला मजदूर और किसान के घर परिवार खुशहाल जिंदगी जिए, सबके घर परिवार में धन धान्य परिपूर्ण रहे, शिक्षा और संस्कार के वास होए, ऐसे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का आशीर्वाद चाहते हुए पुनः एक बार आज भंडारा में भी भोजन करें, आपके भंडारा में भी प्रसाद प्राप्त करे के अवसर देहा, पुनः आशीर्वाद लेहे के अवसर देहावा। ओकर लिए आप सब मन लम्बा हृदय से धन्यवाद देत हवा, आभार व्यक्त करत हवा। आप सब लम और सादर प्रणाम है, नमन है। भले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय।